हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जैसा कि आप देख रहे हो क्लास 12th मैथ में एक्सरसाइज 1.1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक को कम्प्लीट किया था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 तक को कम्प्लीट कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 8 हमको करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि आप जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो भी अभी आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के सारे वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि जब आप एक तरफ से स्टडी करोगे तो आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। साथ साथ आप वेबसाइट देख रहे होंगे, मैं स्क्रीन पर ऑलरेडी लिखा हुआ हूँ, अपने कॉपी पर आप चेक कर सकते हो www.msciindia.in। मैं जो भी सॉल्यूशंस करा रहा हूँ आप जाकर के वेबसाइट पर विजिट करके आप यहाँ से सॉल्यूशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ फिजिक्स के कुछ नोट्स भी वहाँ पर अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे करके, उनको भी आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हो। तो चलिए, मेरा नाम है मनोज पांडे और आप हमारे साथ हैं, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, यानी एक कोई सेट ए है जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो 1, 2, 5 हैं, इज गिवेन बाई आर। उसका जो रिलेशन है वो बोल रहा है कि आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। यानी दो नंबर्स को, यानी 1 से लेकर के 5 तक में जो भी आप नंबर चूज करो, दो नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो इवन ही मिलेगा, ऐसा ये बोल रहा है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमको ये शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो बच्चों, आपको लास्ट वीडियो में याद होगा मैं आपको बताया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, फिर से एक बार आपको याद दिला दूं। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, अगर ये तीनों है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का इतना पार्ट करते हैं, ठीक है, फिर हम लोग आगे का बात करेंगे, क्योंकि आगे अलग क्वेश्चन दिया है, इसमें 2-3 पार्ट में क्वेश्चन है, इतने पार्ट को करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, गिवन सेट को लिख लेते हैं। तो गिवन सेट पर आपको क्या क्या दिया है, गिवन में ए इज इक्वल्स टू एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, और इस सेट का जो रिलेशन है वो बोल रहा है कि आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी का मॉडुलस निकालेंगे तो हमें से आपको मिलेगा इवन। यानी आप इसमें से कुछ एलिमेंट को आप चूज करो ऐसा कि आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, जैसे 1 - 3 करेंगे तो -2 आएगा, सिंस वो मॉडुलस में है तो इवन हो जाएगा। 3 - 1 करोगे तब भी इवन आएगा। ऐसे अगर आप 1 का 5 के साथ रिलेशन देख लो फॉर एग्जाम्पल, तो -4 मिलेगा और -4 मॉडुलस में है तो +4 वो इवन मिलेगा, या 5 - 1 कर लो तब भी इवन मिलेगा। नहीं, ऐसे कुछ एलिमेंट्स का करके ये रिलेशन आपको दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शो करते हैं कि क्या है ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग लिख लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है हम लोग कैसे करते हैं, अगर आप मेरा वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो, उसी का उसी के साथ रिलेशन अगर हम लोग देखें तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट इसमें से कोई एक सेट ए है, ए बिलोंग टू ए है, भाई कैपिटल एस में से एक कोई मैं सेट ले लिया, और ये इसका खुद के साथ रिलेशन अगर इसके हिसाब से देखें तो क्या होना चाहिए, ए माइनस ए। तो a माइनस ए का वैल्यू क्या होता है आप बताओ, 0 होता है, और 0 भी 2 से डिविजिबल है, बोलते हो कि नहीं 2/0 कितना होता है, 0 होता है, और अगर जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है उसको क्या बोलते हैं, इवन बोलते हैं। ऐसे अगर क्लिक लो विच इज इवन, इवन ही है इस रिलेशन में, और अगर इवन है तो आप बोल सकते हो क्या वो रिफ्लेक्सिव है, तो बोल सकते हो सो आर इज रिफ्लेक्सिव, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। चलिए इस तरीके से हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव को प्रूफ कर दिया। अब सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं, ठीक है, फॉर सिमेट्री। सिमेट्री के लिए क्या करना होता है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का ए के साथ होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं लेट ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ आर, है कि नहीं भाई, R में से हमने क्या कर लिया, इस रिलेशन में से a कॉमा बी को ले लिया, नहीं इसमें से दो एलिमेंट हमने लिया और उसका रिलेशन दिखा दिया R के साथ है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो क्या ये बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इज इवन। भाई ये तो खुद ही बोल रहा है रिलेशन में, अगर ए बी आर में से हम लोग ले लें तो a माइनस बी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो
अगर a माइनस बी इवेन है तो सिमेट्री के हिसाब से b माइनस ए भी इवेन होना चाहिए। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्लाइज अगर हम लोग क्या करें इसमें से माइनस कॉमन कर लें तो इसको लिख सकते हैं b माइनस ए। और आपको पता है कि अगर माइनस मॉडुलस में तो प्लस हो जाता है, यानी आप इसको बोल सकते हो क्या मॉडुलस में b माइनस ए, ये तो आपका प्लस हो गया। तो अगर a माइनस बी अगर इवन है तो b माइनस ए भी इवन होगा। कैसे ऐसे आपको हो सकता है ना समझ में, ऐसे समझिए जैसे अगर मैं बोलूँ वन माइनस फाइव मॉडुलस में माइनस फोर और मॉडुलस में माइनस फोर प्लस फोर होता इवन है, तो क्या फाइव माइनस वन भी तो इवन होगा। अगर आप इसका उल्टा कर दो माइनस में तो चूंकि यहाँ मॉडुलस लगा दिया इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप बोल सकते हो इतना इज ऑल्सो इवन। ठीक है, सो आप बोल सकते हो क्या आर इज सिमेट्रिक, आर क्या है सिमेट्रिक। तो चलिए हम लोगों ने सिमेट्रिक तक तो भाई प्रूफ कर लिया, अब हम लोग क्या दिखा दें आर रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, तो फॉर रिफ्लेक्सिव सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव टीवीटी ऐसा करके लिख सकते हैं फॉर ट्रांजिटिविटी। अच्छा, ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होना चाहिए, ए का रिलेशन अगर बी के साथ है, बी का सी के साथ है तो ए का सी के साथ होना चाहिए, यही तो कंडीशन होता है। तो चलिए ट्रांजिटिविटी के लिए हम लोग कैसे दिखाते हैं, देखिए ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए लेट ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ आर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ सॉरी ए माइनस बी इज इवन लिख सकते हैं वैसे ही। एंड अगर अब हम लोग मान लें क्या बी कॉमा सी इज एलिमेंट ऑफ आर, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन वी कैन राइट बी माइनस सी इज इवन, होगा कि नहीं होगा भाई। ये जैसे रिलेशन दिया अगर ए बी के साथ ऐसे लिख सकते हैं तो बी सी के साथ भी, तो ये वाली बात हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए ये भी इवन हमने लिख दिया, अब देखिए कैसे करेंगे आगे हम लोग। अब देखिए मैं जो बोल रहा हूँ बात मेरी ध्यान से सुनिए, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या ए माइनस सी को, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ ए माइनस सी इज इक्वल टू, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए माइनस बी और प्लस बी माइनस सी, इस बात को ऐसा लिख सकता हूँ मैं, क्या क्या कुछ नहीं किया इसमें माइनस बी एक बार माइनस किया और उतना ही प्लस कर दिया, तो एक तरीके से देखोगे तो यहाँ बी भी कैंसिल आउट होकर के ए माइनस सी ही है। ठीक है, अब देखिए ए माइनस बी क्या है इवन है, देखो a माइनस बी इवन है और b माइनस सी भी क्या है इवन है, तो सम ऑफ टू इवन नंबर इज इवन नंबर ही होता है, तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या सॉरी सम ऑफ टू इवन नंबर, सम ऑफ टू इवन नंबर इज इवन हो सकता नहीं। अरे भाई मान लो ये टू है ये फोर है तो दो इवन नंबर को ऐड करोगे तो इवन नंबर ही तो मिलेगा, यानी कंफर्म अगर ए माइनस बी बी माइनस सी अगर इवन है दोनों को ऐड किए इवन हुआ तो इसका मतलब ये भी इवन है। सो आप बोल सकते हो ए माइनस सी इज इवन, अगर ये भी इवन है तो आप ऐसे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बताइए कि आर जो है देयर फोर आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। अब देखिए R रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, देयर फोर वी कैन से दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सो R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए हम लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन को तो भाई प्रूफ कर दिया, अब देखिए आगे क्वेश्चन और बोल रहा है, ध्यान से आप क्वेश्चन को देख लीजिए बुक से। सो दैट All the element of 1, 3, 5 are related to each other and all the element of 2, 4 are related to each other. यानी दो अलग अलग सेट है, एक सेट में 1, 2, 3 एलिमेंट है और एक में 2, 4 है। बोला कि अगर इनका अलग अलग देखा जाए, यानी 1, 3, 5 का रिलेशन अलग इन्हीं के एलिमेंट से देखा जाए और जो अलग से एक सेट दिया जिसमें 2, 4 है 2, 4 है उसके एलिमेंट को अलग से देखा जाए तो ये गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन अगर इन दोनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ देखा जाए, बोल रहा है बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। अगर 1, 2, 3 का सॉरी 1, 3, 5 का 2, 4 के साथ रिलेशन देखा जाए या 2, 4 का 1, 3, 5 के साथ रिलेशन देखा जाए तो ये जो गिवन रिलेशन मॉडुलस एफ ए माइनस बी इज इवन ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये आप समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो मैं समझा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए जो रिलेशन दिया मैं लिख दिया हूँ, मान लेता हूँ एक जो अलग से एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट 1, 3, 5 है, एक अलग से और सेट है जिसके एलिमेंट क्या 2, 4 में, तो मैं एक को सेट बी मान लिया एक को सेट सी मान लिया। मेरी बात को ध्यान से समझिए, बोल रहा है कि
बी के खुद के एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है, सी का खुद के एलिमेंट के साथ खुद का रिलेशन है, लेकिन इसका इसके साथ और इसका इसके साथ रिलेशन नहीं। कैसे? ध्यान से देखो मैं जो बोल रहा हूँ। इसमें से आप कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, एक में उठा लिया चलो वन और एक थ्री, इन दोनों को माइनस करो मॉडुलस में, तो वन माइनस थ्री मॉडुलस में माइनस टू, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस टू। थ्री माइनस वन करो तब भी टू आएगा। वन में से फाइव को माइनस करो या फाइव में से वन को माइनस करो, थ्री में से फाइव को माइनस करो या फाइव में से थ्री को माइनस, यानी इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट ले लो आप, एक दूसरे के साथ माइनस करो, तो ये गिवन रिलेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रहा? वैसे यहाँ पर भी देखो, टू में से फोर को माइनस करो या फोर में से टू को माइनस करो, यहाँ पर भी आपको क्या आएगा? इवन आएगा। लेकिन अगर इन दूसरे के साथ करो, जैसे मैं वन यहाँ से उठा लूँ यहाँ से टू उठा लूँ, तो वन माइनस टू करोगे तो वन आएगा, इवन नहीं आएगा। टू माइनस वन करोगे तब भी इवन नहीं आएगा। इसी बात को वो बोल रहा है, तो इस बात को सिर्फ आपको सेंटेंस में लिख देना है। तो चलिए मैं सेंटेंस में लिख देता हूँ फटाफट से, फिर आपको शो करता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा जल्दी से आपका सोल्यूशन कम्प्लीट हो जाए। बाकी कैसे करना है ये तो आपको समझ में आ ही गया है। देखिए बच्चों, जो भी मैं आपको समझाया वो मैं सेंटेंस में लिख दिया हूँ, आपको स्क्रीन पर अब शो हो रहा होगा, ठीक है। मैं इसको समझा देता हूँ मैं क्या लिखा हूँ। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ गिवन रिलेशन, इवन यानी जो गिवन रिलेशन दिया है इवन का, बिकॉज एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू ऑड नंबर आर इवन, यानी अगर आप दो ऑड नंबर, ये सारे देखो ये ऑड नंबर हैं, तो दो ऑड नंबर आप आपस में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो और उसका मॉडुलस ले लो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। वैसे ही सेकेंड के लिए देखिए मैं लिखा हूँ, सिमिलरली इन सेट बी ऑल द एलिमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ गिवन रिलेशन बिकॉज एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इवन नंबर्स आर इवन, यानी अगर आप दो इवन नंबर को आपस में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो और उसका मॉडुलस निकालो, ये मैं पूरा नहीं लिखा मॉडुलस वाली बात, निकालो तो हमेशा क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। अब थर्ड में देखिए मैं क्या लिखा हूं, बट बी एंड सी आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर इन गिवन रिलेशन, आप बोल सकते हो, बिकॉज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एन इवन एंड ऑड नंबर नेवर इवन, यानी अगर आप एक इवन नंबर ले लो और एक ऑड नंबर ले लो, इसका आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे और उसका मॉडुलस निकालोगे, तो आपको कभी भी इवन नंबर नहीं मिलेगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन ये पूछ रहा था, हमने इसको सेंटेंस में लिख दिया। इस तरीके से अगर आप लिख लोगे तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये सलूशन भी पसंद आया होगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट किए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वेबसाइट पर आप जरूर एक बार विजिट करिए, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नोट आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, जैसे केमिस्ट्री का हो गया, बायोलॉजी का हो गया, फिजिक्स का हो गया, और मैथ का तो मैं उसमें दूंगा ही दूंगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।